हेलो दोस्तों, धनश्री अकेडमी से मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। सो पारादीप फॉस्फेट के आईपीओ भी नया आ रहा है मार्केट में और उसके ऊपर आज पूरा विश्लेषण करेंगे। लास्ट और आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ये मैन्युफैक्चर है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर इन इंडिया। सो ये बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इनके काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जैसे प्योरली नेम लाइक एनपीके 10, एनपीके 12 एंड एनपी 20। सो ये प्रोडक्ट है और उसमें भी काफ़ी अलग 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 प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा ये सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर एंड डायमोनियम पोटेशियम। तो ये डीएपी के बारे में यहाँ पे लिखा गया हुआ ये रिपोर्ट है वो है वॉल्यूम सेल्स फॉर द 9 मंथ्स एंडेड December 31, 2021। तो कंपनी का ये कहना है और उनकी जो मेन ब्रांड है वो है जय किसान, नवरत्न एंड नवरत्न ब्रांड। तो ये ब्रांड इनकी फेमस है और इस ब्रांड के ऊपर ये कारोबार कर रहे हैं गाइस। ये मेनली पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड इज लोकेटेड इन पारादीप। ये पारादीप करके कोई जगह है उड़ीसा में और वहां से ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंक्लूडिंग ये डीएपी, एनपीके प्रोडक्शन फैसिलिटीज, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन प्लांट एंड फॉस्फोरिक एसिड प्रोडक्शन प्लांट। ये दोनों ही प्लांट उनके वहां पर है। सो बेसिकली काफी मेट्रिक टन ये बना रहे, पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया हुआ है गाइस, आप देख सकते हो। सो पारादीप करके जगह उड़ीसा में, वहां से ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। कंपनी का अलग अलग नेटवर्क है पूरे इंडिया के अंदर और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनके पास और पूरे पैन इंडिया के अंदर इनका बिजनेस है और इसके अलावा काफ़ी जगह पे करते हैं। तो प्रोडक्शन अक्रॉस 14 स्टेट इन इंडिया। सो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन अक्रॉस 14 स्टेट इन इंडिया थ्रू द नेटवर्क ऑफ 11 रीजनल मार्केटिंग ऑफिसेज एंड 468 स्टॉक पॉइंट। तो वहाँ से ये हैंडल करते हैं। एज March 31, 2022 कंपनी नेटवर्क इंक्लूड 4761 डीलर है एंड ओवर 67,150 रिटेलर है पूरे इंडिया के अंदर। सो आप सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क इनका है, 5 मिलियन फार्मर से भी ये जुड़े हुए हैं। इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं गाइस। सो वेल पोजिशनल है मार्केट में, अच्छा खासा इनका ब्रांड है, नाम है एंड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इन इंडिया। ये सारी इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो गाइस। सो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, साइजेबल मटेरियल, स्ट्रॉन्ग हैंडलिंग एंड पोर्ट फैसिलिटी। इनके पास उनके पोर्ट फैसिलिटी का भी ओन अवेलेबल है फैसिलिटी। सो उनका पोर्ट भी है, ये भी एक अच्छी बात है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बहुत एस्टेब्लिश ब्रांड नेम बैक बाई एन एक्सटेंसिव सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो सारे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है। तो ये इनके अभी फाइनेंशियल की ओर देख लेते हैं गाइस। सो फाइनेंशियल देख लेते हैं तो ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 2021 और 31 दिसंबर। तो देखिए तो यहाँ पे पैट बढ़ती जा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ती जा रहा है, एसेट भी ठीक ठाक बढ़ती जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर और रेवेन्यू भी इनकी बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली। तो फाइनेंशियल तो बहुत ही अच्छे है एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू, ये आईपीओ लाने का इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेसिकली जनरल सभी कंपनियों का रहता है उसी तरह से जनरल कॉरपोरेट पर्पज के लिए, रीपेमेंट प्री पेमेंट के लिए है, पार्ट फाइनेंसिंग एंड एक्विजिशन ऑफ गोवा फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लिखी है, ये जनरल कॉरपोरेट पर्पस बेसिकली मेन है। अभी कंपनी का डिटेल देख लेते हैं, आईपीओ का डिटेल देख लेते हैं। तो 17 मई को ओपन हो रहा है, 19 मई को बंद हो रहा है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको आगे जाके और डिटेल में बताऊंगा। एनएसई पे लिस्ट होने वाला है,
और बीएसएपी भी लिस्ट होने वाले हैं। कंपनी के प्रमोटर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है गाइस, अलग अलग प्रमोटर्स है, जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड है, काफी है इसके अंदर। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा है केमिकल एंड फर्टिलाइजर का। तो ये सारे प्रमोटर्स आप देख सकते हैं, टेंटेटिव टाइम टेबल देख लेते हैं। तो ओपन 17 मई को हो रहा है, 19 मई को क्लोज हो रहा है इसकी बीड, सॉरी माफ कीजिए, 17 मई को ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है 19 मई को। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। और यूपीआई मैंडेट है तो ये बहुत जरूरी है, वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो बेसिक अलॉटमेंट आपका होगा 24 मई के आसपास, इनिशियल रिफंड आपके रिफंड 25 मई के आसपास होने की संभावना है, क्रेडिट ऑफ शेयर डिबेट में 26 मई को आ जाएंगे, और इश्यू लिस्टिंग होगा 27 मई को। तो मंथ एंड में ये लिस्टिंग होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। कम से कम एक लॉट आप ले सकते हैं, 350 शेयर का होगा, 14,700 रुपये उसके लिए आपको देने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप 13 लॉट ले पाएंगे, 4,550 आपको शेयर्स लगेंगे मिलेंगे, सॉरी माफ कीजिए, मिलेंगे आपको 13 लॉट में 4,550 शेयर्स मिलेंगे, और उसके 1,91,100 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया पारादीप फॉस्फोरेट फॉस्फेट लिमिटेड। अब सवाल ये उठता है कि इसमें इन्वेस्ट करें या न करें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बातें कर रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर करेगा, इसको ये चीज जरूर याद रखिए। अभी इसकी बात करते हो, लंबे समय में ये अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म में ज्यादा कोई मुझे यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो आई बिलीव अगर ये ओपन भी होगा तो बहुत ज्यादा गैप अप से ओपन नहीं होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की संभावना कम है। छोटा मोटा प्रॉफिट 2-4-5% मिले ऐसा मुझे भी फिलहाल लग रहा है। और अभी जैसे जैसे जीएफपी ओपन होगा आगे की खबरें मैं आपको बताऊंगा। सो फिलहाल तो मैं इसके लिए न्यूट्रल हूँ, मुझे ये आईपीओ पारादीप का अट्रैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। यदि आप शेयर बाजार सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री अकेडमी में, जहाँ पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आइए सीखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।